पवन एक सैंडविच स्टॉल चलाता है। 5 साल पहले ही उसके पिताजी गुजर गए और तब से पवन अपनी माँ और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी उठा रहा है। पवन, 2 सैंडविच लगा जल्दी। थोड़ा समय लगेगा, इनका बनाने के बाद तेरा बनाता हूँ। उसका छोड़, पहले मेरा बना दे। पवन बिल्कुल अपने पिता जैसा था, जो बोलना होता है वो सामने बोल देता, फिर चाहे वो बात दूसरों को कितनी भी बुरी क्यों न लगे। तुझे सैंडविच चाहिए तो रुकना होगा, ये तेरा घर नहीं है, समझा। चार लोग रवि की ओर देखने लगते हैं। रवि शर्मिंदा हो जाता है और कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद पवन रवि को सैंडविच देता है। पहले के तेरे 150 रुपए भी बाकी हैं, वो भी अभी दे दे। हाँ हाँ, दे दूंगा कल। सुन रवि, धंधे में दोस्ती नहीं होती है, तुझे कितनी बार कहा है, पैसे हैं तभी खाया कर, मैं किसी को उधार नहीं देता हूँ। रवि गुस्से में आकर अपनी जेब से 200 रुपए निकाल कर दे देता है। कल तेरे सामने मैं भी सैंडविच का धंधा खोलूंगा, तेरा धंधा बंद करा दूंगा। तुझे जो करना है कर, मुझे क्यों बता रहा है। पर अगली बार जब भी सैंडविच खाने आएगा तो पैसे लेके आना। रवि गुस्से से आग बबूला हो रहा था, वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पवन देखता है कि उसके सामने एक नया सैंडविच का स्टॉल खुला है। पवन के कुछ ग्राहक वहीं से सैंडविच ले रहे हैं। नया सैंडविच स्टॉल? मेरे कुछ ग्राहक यहाँ से सैंडविच ले रहे हैं? कौन है? थोड़ी देर बाद दूसरे स्टॉल पर की भीड़ कम होती है तो देखता है कि वहाँ पर रवि खड़ा है और पवन को वो देख रहा है। पवन के कुछ ग्राहक रवि के स्टॉल पर खड़े थे। क्या चाचा, नया सैंडविच स्टॉल खुला तो मुझसे सैंडविच लेना बंद कर दिए? नहीं पवन, ऐसी कोई बात नहीं है। तू 20 रुपए में सैंडविच देता है, रवि 15 रुपए में देता है, कुछ पैसे बच जाते हैं। रवि सस्ते दाम में सैंडविच बेच रहा था, इसीलिए ज्यादा भीड़ रवि के स्टॉल पर ही थी। आज पवन की कमाई बहुत कम हुई थी तो पवन आज बहुत ज्यादा गुस्से में था। मुझसे बदला लेने के लिए बस इसने सैंडविच स्टॉल खोला है। पवन घर पहुंचकर पूरा का पूरा गुस्सा अपने छोटे भाई पर निकाल देता है। तू अच्छे से पढ़ाई करके बड़ा आदमी बने, इसीलिए धूप में खड़े होके सैंडविच बेचता हूँ, और तू न पढ़ाई करता है न होमवर्क करता है, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे तरह सैंडविच बेचे। ध्रुव चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता है। पवन का गुस्सा देखकर माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, बिना बात बेचारे ध्रुव पर क्यों चिल्ला रहा था? ये देखो आज की कमाई। इतना कम कैसे? रवि ने नया सैंडविच का स्टॉल खोला है, वो सस्ते में सैंडविच बेच रहा है, मेरे सारे ग्राहक उससे सैंडविच लेने जा रहे हैं। बेटा धंधे में ऐसा होता ही रहता है, रवि आज कमा रहा है तो कल तू कमाएगा, अब खाना खा ले। धीरे धीरे पवन के सारे ग्राहक रवि के पास ही चले जाते हैं। मेरे से पंगा लेने चला था, 2 दिन, बस 2 दिन के अंदर किसी का सैंडविच स्टॉल बंद हो जाएगा। इसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, ये रवि का बच्चा 15 रुपए में सैंडविच बेच कैसे रहा है, इतना सस्ता, कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सुबह पवन ब्रेड लेने के लिए दुकान पर जाता है तो वहाँ पर रवि पहले से ही खड़ा होता है। रवि जल्दी से पैसे देकर ब्रेड खरीद कर वहाँ से चला जाता है। क्या भाई, रवि तेरा घर वाला लगता है जो उसे सस्ते दाम पे ब्रेड दे रहा है और मुझे महंगे दाम पे, ऐसा क्यों? अरे नहीं नहीं भाई, बात कुछ ऐसी है कि तुम हमेशा ताज़ा ब्रेड लेते हो और रवि हमेशा बासी ब्रेड लेता है, इसीलिए रवि को सस्ते दाम पे ब्रेड देते हैं। तुम भी लो बासी ब्रेड, तुम्हें तो और सस्ते में दे देंगे। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ताज़ा ब्रेड ही दो। अब देखते हैं किसका सैंडविच स्टॉल बंद होता है। गांव के कुछ बड़े लोग रवि के सैंडविच स्टॉल पर सैंडविच खाने के लिए आते हैं कि तभी दूसरी ओर से पवन आवाज लगाता है। अरे साहब, यहाँ से सैंडविच मत खाओ, आपका इतना अच्छा शरीर है, बासी ब्रेड का सैंडविच शरीर के लिए हानिकारक है। पवन, तू झूठ तो नहीं कह रहा है ना? नहीं साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, एक बार मेरा सैंडविच खा के तो देखो। साहब पवन का सैंडविच खाकर देखते हैं, उन्हें दोनों सैंडविच का स्वाद अलग अलग लगता है तो साहब ने रवि को बुलाया। रवि, तू बासी ब्रेड का सैंडविच बनाता है? अरे अरे नहीं साहब, ये पवन तो मुझसे जलता है, इसीलिए झूठ बोल रहा है। साहब जहाँ से रवि ब्रेड लाता है उससे पूछ लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहब अपने 2 बॉडीगार्ड को ब्रेड वाले के पास भेजते हैं। थोड़ी ही देर बाद बॉडीगार्ड ब्रेड वाले को लेकर आता है। हाँ साहब, रवि मुझसे बासी ब्रेड लेता है। ये सुनकर साहब का गुस्सा बढ़ गया, उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और साहब के दोनों बॉडीगार्ड ने मिलकर रवि की जमकर पिटाई की, साथ ही रवि का स्टॉल भी तोड़ दिया। आइंदा अगर तूने कोई भी स्टॉल खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा ना? रवि पैसे बचाने के लिए सस्ता ब्रेड यूज करता था लेकिन उसका लालच उसी पर भारी पड़ा। एक बार फिर से गांव में पवन का ही सैंडविच बिकने लगा। पवन ईमानदार था, उसके साथ सब अच्छा हुआ।
वही रवि लालची था तो उसकी नैया डूब गई। सुंदरपुर नाम के गांव में हरिहर नाम का एक आदमी रहा करता था। उसे कुछ काम धंधा ना होने के कारण वो हमेशा खाली बैठा रहता था। एक दिन हरिहर गांव में ऐसे ही टहल रहा था तो उसे कुछ शैम्पू की खाली बोतलें मिली। उसे हाथ में लेकर हरिहर मन में सोचने लगा, इतनी सारी बोतलें, लगता है लोगों ने शैम्पू खत्म हो जाने के बाद फेंक दी है, क्यों ना मैं इसका कुछ इस्तेमाल करूं? ऐसा मन में सोचकर हरिहर घर से एक थैला लेकर आता है। उसमें सारी शैम्पू की बोतलें भरता है। घर आकर हरिहर सारी बोतलें अच्छे पानी से धो लेता है और उस पर अलग अलग आयुर्वेदिक शैम्पू के लेबल लगा देता है। उसका ये काम देखकर उसकी पत्नी शीला हरिहर से, अरे रे रे रे, आप ये सब क्या कर रहे हो? मेरे घर में बाजार का कूड़ा क्यों उठा कर लाए हो? अरे शीला, तुम्हें कुछ समझता ही नहीं, मैं इससे अब बिजनेस करने वाला हूँ। बिजनेस? कैसा बिजनेस? भंगार बेचने का क्या? अरे तुम जाओ यहाँ से, भगवान ने तुम्हें कम अक्ल दी है ना, इसलिए तुम चूल्हा चौका ही संभालो, मुझे मेरा काम करने दो। शीला वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती है। तभी हरिहर सारी बोतलें एक जगह रखकर उसमें अलग अलग सुगंध वाले साबुन का पानी भर देता है और अगले दिन वो सारी बोतलें लेकर बाजार चला जाता है। बाजार जाकर हरिहर एक टेबल पर अपनी शैम्पू की बोतलें रख देता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए, शैम्पू ले लो शैम्पू, आयुर्वेदिक शैम्पू, एक बार लगाओगे तो घने बाल आ जाएंगे। हरिहर जोर जोर से आवाज लगाकर शैम्पू बेचना शुरू कर देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर, अरे बेटा, अगर मैंने ये शैम्पू लिया तो क्या मेरे बाल वापस आ जाएंगे? हाँ हाँ बूढ़े बाबा, क्यों नहीं, अगर आप ये आयुर्वेदिक शैम्पू लगाओगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपके बाल काले और घने हो जाएंगे। हरिहर की बातें सुनकर बूढ़े आदमी ने पैसे निकालकर आयुर्वेदिक शैम्पू खरीदा और वहां से चला गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हरिहर अपने शैम्पू ग्राहकों को कुछ न कुछ बताकर बेचा करता था। एक दिन उसके दुकान पर एक आदमी आकर, अरे भाई, तुम्हारे शैम्पू से तुमने कहा था कि बाल अच्छे हो जाएंगे, मगर इस शैम्पू से नहाया तो झाकी नहीं निकलता और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। बालों में कंघी करो तो बाल गुच्छों में झड़ते हैं। अरे भाई, ये झाक वाले जो शैम्पू होते हैं उससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और तो और आंखें और त्वचा भी खराब हो जाती है, इसीलिए मैं आयुर्वेदिक शैम्पू बनाकर बेचता हूँ, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इस महंगाई के जमाने में लोग तो पैसा कमाने का ही सोचते हैं, लेकिन मैं लोगों को अच्छे और सस्ते दाम में शैम्पू बनाकर बेचता हूँ। अरे मगर उससे बाल बहुत झड़ते हैं। अरे भाई, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कारण वो धीरे धीरे असर करेगा और आयुर्वेदिक होने के कारण तुम्हें कोई हानि भी नहीं होगी। हरिहर की बातें सुनकर वो आदमी नया वाला शैम्पू दुगने दाम में खरीद लेता है और वहां से चला जाता है। हरिहर का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन हरिहर के पास एक औरत आती है और वो हरिहर से, अरे भैया, तुम्हारे शैम्पू से जब से मैंने नहाया है तब से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैं अब क्या करूं? अरे बहन जी, मेरे शैम्पू की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बहन जी, अगर खेत में घास उग जाए तो हम उसे खेत से निकाल फेंकते हैं, वैसे ही हमारे सर पर जो अनचाहे बाल होते हैं वो इस शैम्पू से झड़ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके बाल जल्द ही वापस आ जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो भैया? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, और हाँ, अगर आप चाहो तो ये नया वाला शैम्पू इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। वो औरत हरिहर का नया शैम्पू खरीद कर वहां से चली जाती है और हरिहर अपनी बुद्धिमत्ता पर खुश हो जाता है। उसी जगह पर उसका नौकर राजू ये सारी बातें सुनता है और हरिहर से कहता है, मालिक, आप ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को फंसाते हैं। अगर लोगों को सच का पता चल गया ना तो हमारा धंधा ही बंद हो सकता है। अरे राजू, कुछ नहीं होता। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि ये शैम्पू बेचने के धंधे के साथ साथ अगर हम वीक बेचने का धंधा शुरू करें तो बहुत मुनाफा होगा हमें। मालिक, यहाँ इस गांव में शैम्पू आसानी से नहीं मिलता था, इसीलिए आपने शैम्पू बेचने का धंधा शुरू किया। अब आप वीक बेचने का धंधा शुरू करना चाहते हो, हमारे पास से वीक कौन खरीदेगा? लेकिन बड़े शहरों में ये धंधा अच्छी तरह से चलता है, मुझे नहीं लगता यहाँ चल पाएगा।
अरे तू बस देखता जा राजू, मेरा ये भी धंधा कैसे चलता है। और हाँ, कल से तुम वीक बेचने बैठोगे, समझे? जैसा आप कहें मालिक। हरियर की बातें सुन राजू सोच में पड़ जाता है और अपना काम करने के लिए निकल जाता है। तभी हरियर शहर जाकर बहुत सारे अलग अलग बालों वाले वीक लेकर आता है और उसे अपने दुकान से थोड़ी ही दूर ठेला लगाकर राजू को बेचने के लिए कहता है। हरियर का शैम्पू लगाने की वजह से बहुत से लोगों के बाल झड़ गए थे, इसीलिए बहुत से लोग सोच में पड़ गए थे। तभी एक दिन श्याम नाम का आदमी अपने दोस्त राम से, अरे भाई, मैंने जो बाजार में नया शैम्पू वाला आया है ना, उसके पास से शैम्पू लेकर मेरे बाल धोए तो देखो मेरे सर के सारे बाल ही चले गए। अरे श्याम भाई, मेरी पत्नी ने भी यही शैम्पू से बाल धोए, उसके भी बहुत बाल झड़ गए है। अब मुझे कल शादी में जाना है, अब मैं ऐसे जाऊंगा क्या? हाँ, ये तो बड़ी समस्या है, चलो हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। बातें करते करते श्याम और उसका दोस्त राम रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एक वीक बेचने वाला दिखता है। तो राम के मन में विचार आता है, वो श्याम से, अरे श्याम, तुम्हारे समस्या का समाधान तो मुझे मिल गया भाई, कल तुम्हें शादी में जाना है ना, कल के लिए तुम ये वीक लगा कर जा सकते हो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे हाँ हाँ भाई, अब मैं ऐसा ही करता हूँ, ये बहुत अच्छा विचार है, अब मैं वीक लगाकर ही शादी में जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर श्याम और राम राजू की दुकान पर चले जाते हैं। तभी राजू श्याम और राम से, आइए आइए, क्या चाहिए आपको? अरे भाई, इनके लिए एक वीक दिखाओ। अभी देता हूँ मालिक, ये लीजिए, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। राजू बातों बातों में एक वीक श्याम को पहना कर दिखाता है। वो वीक श्याम को अच्छी तरह से बैठ जाता है और श्याम भी वो वीक झट से खरीद लेता है। राम और श्याम उस ठेले से चले जाते हैं। उसके बाद राजू खुद के मन से, अरे हमारे मालिक तो सच में बहुत महान है, उन्हें सब पहले ही पता होता है, सोचते सोचते राजू अपने वीक बेचना शुरू कर देता है। उसके दिन भर में बहुत सारे वीक बेचे जाते हैं। शाम के समय हरिहर के पास आकर राजू, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने वीक बेचना शुरू किया तो दिन में हमारे बहुत सारे वीक बेचे गए, लगता है अब गांव में भी लोग वीक खरीदने लगे हैं। अरे राजू, मुझे सब पता होता है, इसीलिए तो मैंने ये नया धंधा शुरू किया, अब बताओ धंधा अच्छा है या नहीं हमारा? मालिक, आपका तो जवाब ही नहीं। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला जाता है और हरिहर अपने सोच पर खुश होकर वो भी घर चला जाता है। अगले दिन हरिहर को कुछ काम होने के कारण वो राजू को अपनी दुकान संभालने के लिए कहता है और वहाँ से काम के लिए निकल पड़ता है। हरिहर के जाते ही शीला वहाँ शैम्पू खरीदने के लिए आ जाती है। राजू, मुझे हमारे दुकान का सबसे अच्छा वाला शैम्पू देना, कल मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले है। मालकिन, ये लीजिए, दुकान का सबसे अच्छा और सबसे महंगा शैम्पू, बहुत असरदार है ये और साथ ही साथ आयुर्वेदिक भी। ठीक है। अब शीला वो शैम्पू लेकर वहाँ से घर चली जाती है। अगले दिन शीला चिल्लाते हुए दुकान पर आती है और हरिहर से कहती है, आपको मैंने 1000 बार समझाया है कि केमिकल डालकर शैम्पू मत बनाया करो, मगर तुम हो कि मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनते। मेरी बहन को आज लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, मगर वो किस मुंह से आगे जाएगी, उसके तो सारे के सारे बाल झड़ गए, उसके सिर पर बाल ही नहीं रहे, ये आपने अच्छा नहीं किया। शीला की बातें सुन राजू और हरिहर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी हरिहर राजू से, अरे राजू, तुमने मालकिन को कौन सा वाला शैम्पू दिया था? अरे मालिक, मैंने तो सबसे अच्छा वाला और महंगा शैम्पू दिया था उनको। हे भगवान, अरे राजू, तुमने जो मालकिन को शैम्पू दिया वो बाल झड़ने वाला केमिकल था, अब मैं क्या करूं? उनकी बातें वहाँ खड़े दो आदमी सुन लेते हैं और वो गुस्से में आकर, क्यों रे, लोगों को फंसाता है और लोगों से पैसे ऐंठना चाहता है। ऐसा कहकर दूसरा आदमी हरिहर और राजू को जोर जोर से मारने लगता है। उनको देख सभी लोग उन दोनों पर टूट पड़ते है। हरिहर और राजू को मिलावट शैम्पू बनाने के इल्जाम में जेल में डाल देते है, उन पर केस दर्ज कर देते है। हरिहर की लालच की वजह से आज हरिहर और राजू दोनों जेल में होते है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमेशा ईमानदारी के साथ ही व्यवसाय करना चाहिए। दूसरों को फंसाकर हमेशा हमारा नुकसान ही होता है, इसीलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।